हम लोग भारतीय भाषाओं का इतिहास, भारतीय अन्य भाषाओं के क्षेत्र में जो हिंदी में काम हो रहा है उसको हिंदी साहित्य के इतिहास में रेखांकित करने की बात कर रहे हैं, और दक्षिणी के महत्व को ये इतिहास नकार रहे हैं। मैंने कहा आपसे, हमें आपको बर्दाश्त भी करना होगा और आगे इस दिशा में काम भी करना होगा, ये संकल्प लेना हो। एक बहुत ही अलहदा सी जबान है अगर उसकी संरचना की बात की जाए। और सबसे बड़ी बात, अपने ऐतिहासिक क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसका स्थान है। थोड़ी सी भाषा के अंश पर बात करते हुए, बाबूराम सक्सेना ने भी इसकी व्याकरणिक विशेषता पर बात की है। जापानी जिन विद्वान की मैंने चर्चा की, उन्होंने बात की है। थोड़ा सा एक हिस्सा कुंज मित्र जी ने भी रखा है। आप जो लोग हैदराबाद में हैं, रहते हैं, दिन रात दक्षिणी बोलते भी हैं, समझते हैं, प्रत्येक प्रयोगगत इकाई का विवरण है। सबसे अच्छी बात जो उसमें है, और हमें आपको उस पर ध्यान देकर काम करना होगा, जो रूप वैज्ञानिक पक्षों पर बात है कि बात का बाता कैसे बनता है, लोक का लोगा कैसे बनता है, हम कभी इस पर विचार नहीं करते। ने का लोप कैसे और क्यों होता है, ध्वन्यात्मक परिवर्तन क का ख हो जाना, ख का क हो जाना क्यों होते हैं, और ये विशिष्टता किन भाषाओं के संपर्क या संसर्ग से आई है, इस पर एक विस्तृत कार्य करने की जरूरत होगी। साहित्य बहुत ही अभिव्यक्ति पूर्ण साहित्य है, जिसे हम कहते हैं बोध गम्य। आसानी से समझ में आने वाला, और ऐसा नहीं है कि उसमें केवल श्रृंगारिक रचनाएं हैं, जैसा कि कुछ लोगों के विचारों से यह भ्रम भी पैदा होता है। वो साहित्य जो जनता की जुबान में लिखा गया है, जिसे जनता आराम से समझ सकती है, और ऐसा नहीं है कि उस साहित्य में दर्शन नहीं है, उस साहित्य में फिलॉसफी नहीं है, उस साहित्य में सूफियाना बातें नहीं है, सब गहरी बातें उसमें आती हैं, लेकिन एक सहज ढंग से। ऐसा भाषा रूप बहुत कठिन समन्वय से बनता है, इसीलिए हम दक्षिणी को एक तरह के, हमारा एक बहुत बड़ा भाषा विज्ञान में शब्द है, लैंग्वेज कॉन्टेक्ट का उदाहरण मानते हैं, भाषा संपर्क का उदाहरण मानते हैं। ऐसा हिंदी की किसी भी क्षेत्र की बोलचाल की भाषा में नहीं दिखाई देता कि इतना अच्छा, इतना सुंदर समन्वय विभिन्न प्रकार की भाषाओं बोलियों का। ये जो कॉन्टेक्ट है, ये भी बताता है कि ये किसी एक कौम या एक संप्रदाय या एक समूह के लिए बनी भाषा नहीं थी। और उसका प्रमाण है कि आज आपको दक्षिण में ये कहीं भी सुनाई देती है,
प्रयोग में दिखाई देती है। अभी मैं कुछ दिनों पहले लक्षद्वीप गया, हम लोग को उम्मीद नहीं थी, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और दक्कनी का एक थोड़ा सा बदला हुआ रूप, वहाँ के सारे मुसलमान बोल रहे थे और पूरे बाजार में आप आराम से अपनी बात हिंदी में कह सकते थे, हिंदी में सुन सकते थे। यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसके समस्त विकास में मुस्लिम भाइयों का सबसे अधिक योगदान रहा। इसे स्वीकार करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। हमारे कुछ विद्वानों ने इसमें संकोच किया है, बाबूराम सक्सेना भी बात करते करते दो चार हिंदू लेखकों के भी नाम गिना देते हैं कि इन्होंने भी दक्कनी में लिखा, इसकी जरूरत नहीं है। आज उसे हिंदू मुसलमान सब बोल रहे हैं, जब वो सामने आई तब भी बोलते थे, ये बात ज्यादा जरूरी है। और उनका जो उसमें योगदान है, तीसरी बात जो साहित्य से ही जुड़ी है, तीन तरह के शासनों में पली बढ़ी, आदिलशाही और कुतुबशाही और बाहमनी, समय भी अलग है। और अगर आप देखेंगे तो जो बाबूराम सक्सेना ने तीन धरातल तय किए हैं दक्कनी के विकास के, उसमें आपको यह दिखाई देता है कि कैसे यह विकसित हुई है क्रमशः, यानी परिष्कार हुआ है, लेकिन हम उस पर अभी भी बहुत गंभीर गहन अध्ययन नहीं कर पा रहे। एक चीज मैं बहुत ही बल देकर कहना चाहूंगा कि हमारा जितना अध्ययन और जितना शोध दक्कनी साहित्य को लेकर हुआ है, उतना अध्ययन और उतना शोध दक्कनी भाषा को लेकर नहीं हुआ है। तब निश्चित ही ऐसा लगने लगता है ये तो एक मध्यकालीन साहित्य है, इसकी चर्चा हो रही है नहीं हो रही है। भाषा के अध्ययन का मतलब यह, मैं समसामयिक समय में एक कालिक अध्ययन, आज दक्कनी उन क्षेत्रों में किस रूप में बोली जा रही है, व्यवहारित की जा रही है, यह देखना आज के बाजार में, आज के हैदराबाद में, आज के बीजापुर में। अब साहब जरा मैं बोल लूं, ये काफी, मैं क्या कहूं, लंच का पूरा समय अन्य चर्चाओं के लिए सुरक्षित है, मैं भी उसमें भाग लूंगा। वो दक्कनी, वो व्यावहारिक दक्कनी जिस पर अभी तक कोई काम दिखाई नहीं देता, जो समाज भाषा विज्ञान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक कालिक भाषा अध्ययन, सिंक्रोनिक लैंग्वेज स्टडी, ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक दक्कनी का जो बल है, कोई भी भाषा उसके बोलने वालों के बल से बनती है। और ये पता लगे कि इतने लोग इतने क्षेत्रों में दक्कनी के इतने रूपों का व्यवहार कर रहे हैं, तो उसकी शक्ति का पता चलता है। एक बात इसी से जुड़ी हुई कि हम ऐसा क्योंकि नहीं कर रहे हैं,
इसलिए उत्तर भारत के मध्यकालीन साहित्य की तुलना में दक्षिणी के साहित्य को द्वितीय श्रेणी का समझ लिया गया है। हिंदी का पाठ्यक्रम हो चाहे उर्दू का, दक्षिणी का कोई स्थान नहीं है, उसके साहित्य का कोई स्थान मध्यकाल के पाठ्यक्रम में नहीं है। आप हिंदी के अध्यापक हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं ऐसा क्यों है। यह सवाल कौन उठाएगा? यह सवाल तब उठ सकते हैं सार्थक ढंग से जब यह पता हो कि इतने लोगों की द्वारा बोली जाने वाली भाषा और उसके इतने समृद्ध साहित्य की अवहेलना हो रही है, भाषा के इतिहास में भी और साहित्य के इतिहास में भी, दोनों में दक्षिणी को स्थान मिलना चाहिए। आखिर में मैं दो बातें आपसे कहूंगा और वो भी बहुत ही तथ्यपरक बातें हैं। भाषा विज्ञान ये कहता है बार बार कि वेरिएशंस जो हैं भाषा के, किसी भी भाषा के, वो उसके मानक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मानक हिंदी से अधिक महत्वपूर्ण है बिहार में बोली जाने वाली हिंदी, यूपी में बोली जाने वाली हिंदी, किसी शहर विशेष में बोली जाने वाली हिंदी, बंबई की हिंदी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो रूप है जो मानक हिंदी के, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जो संपर्क भाषा वाला रूप है उसको बनाए रखते हैं, यानी उसके प्रयोक्ता को बनाए रखते हैं। सालों साल चाहे उसका साहित्य निकृष्ट कोटि का भी सिद्ध कर दिया जाए, चाहे उसके साहित्य के पढ़ने की स्थितियां कमतर हो जाएं, लेकिन वो भाषा जो हजारों साल से, सैकड़ों साल से बोलचाल की भाषा की तरह इस्तेमाल हो रही है, वो नहीं मिटाई जा सकती है। तो उसका जो उत्स है मानक का, वो उसके वेरिएशंस में, जो बोलचाल के होते हैं उनमें निहित होता है, वही उसके प्राण होते हैं, वही उसकी जान होती है। दक्षिणी तो एक बहुत बड़ा प्राण तत्व है हिंदी का, एक ऐसे समय हिंदी को बचाने का, खड़ी बोली कहूं मैं, जबकि उधर फारसी और बोलियों का वर्चस्व बढ़ रहा था। गद्य लिखा गया है, उस पर आप लोग बात करेंगे। दूसरी और आखिरी बात कि हर उस संदर्भ में कुछ हिंदी विभागों में, कुछ उर्दू विभागों में, मैं विशेष रूप से चाहूंगा कट्टीमणि जी से, इनके मैं सम कुलपति जी से भी, कुलपति जी से भी आग्रह करूंगा कि दक्षिणी का एक पीठ विश्वविद्यालय में स्थापित होना चाहिए, चेयर, क्योंकि हिंदी उर्दू के बीच की इस कड़ी को बहुत मजबूत करना होगा, क्योंकि जिस तरह से भाषा और बोलियों में अलगाव की प्रवृत्ति पिछले कुछ वर्षों में पैदा हुई है वो बहुत खतरनाक है। हम बोलियों को आठवीं अनुसूची में लाने के लिए व्याकुल हैं। अभी, और आपने पढ़ा हो, बहुत ही प्रेरक निबंध है प्रेमचंद जी का, कौमी जबान, जो उनका भाषण है साहित्य सम्मेलन 1934 का भाषण है वो, तो उन्होंने हिंदुस्तानी के पक्ष में बात की है, हिंदुस्तानी कौमी जबान है। उसमें उन्होंने एक संकेत दिया कि जो ब्रिटिश शासन है वो हिंदी उर्दू के बीच में ही नहीं, वो हिंदी और बोलियों के बीच भी एक दीवार खड़ी कर रहा है, और अगर ये बोली के सूबे बनते हैं तो हिंदी बहुत कमजोर होगी, उर्दू भी कमजोर होगी। और आज वही स्थिति है, आठवीं अनुसूची में डालना
आप विचार करें कि अगर 8 बोलियां धीरे धीरे 5 साल के अंदर 10 साल के अंदर 8वीं अनुसूची में डाल दी गई तो हिंदी को मातृभाषा के रूप में दर्ज कराने वाले अत्यल्प हो जाएंगे। और फिर अभी ही जो हिंदी की दुर्दशा कर रखी है फिर तो उसको कान से पकड़कर बाहर करने में बिल्कुल आसानी होगी और अंग्रेजी का बोलवाला जैसा जैसा शासन चाहता है बढ़ जाएगा। इस दृष्टि से भी दक्कनी एक ऐसा हमारे पास सूत्र है जो हिंदी की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है। हिंदी के लिए जितने आक्षेप हैं कि वो शासन की बनेगी, इसकी बनेगी, सत्ता की बनेगी, साहित्य में उसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है इत्यादि इत्यादि, दक्कनी उसको तोड़ती है। दक्कनी ये बताती है कि ये साहित्य आम जन का साहित्य, दक्कनी ये बताती है कि ये हिंदी हिंदी क्षेत्र में नहीं पनपी है, ये दक्षिण में पनपी है जहां किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं है। ये उस हिंदी की ताकत को बताती है जो संपर्क में आने पर कहीं भी आम जनता की भाषा बन सकती है। इन विशेषताओं को दक्कनी के उभारने की आज आवश्यकता होगी। मैं इस बात के लिए बिल्कुल संदेह नहीं करता कि भारत का भाषा यथार्थ कहीं झुटलाया जा सकता है। जरूरत यह है कि उसको सही परिप्रेक्ष्य में हम देखें और एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें जो जो सामासिक संस्कृति भारत की और उसमें जो भाषा का स्थान है विशेष रूप से हिंदी का, उसे हम स्थापित करें, केवल साहित्य के माध्यम से नहीं बल्कि उस भाषा व्यवहार के माध्यम से भी जो ज़्यादा कारगर हो सकता है, क्योंकि बोली जाने वाली भाषा में कहीं अधिक ताकत होती है, वही आगे चलकर साहित्य का रूप लेती है। अपने से कोई भाषा अचानक साहित्य का रूप नहीं ले पाती है। मैं राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, आप सब महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। और ये मैं फिर से दोहरा दूं कि भाषा विकास और भाषा संपर्क, इन दोनों ही दृष्टियों से दक्कनी से बड़ा हिंदी का भाषा रूप कोई नहीं है, चाहे वो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरी मिश्रित हिंदी ही क्यों न हो। नमस्कार।